the last two months before prelims 2024 we are truly in the end game now what does this mean one you perform very well and you do great and what will that mean that you will easily clear the prelims your last two months' will bring you disproportionate rewards but the other thing that can happen is that you can make mistakes here and if you make mistakes here if you mess up in these last two months you are going to pay the price for it which might include your attempt so in these last 2 months there are some principles that i want you to follow and that is what i'm going to talk about in this video hello and welcome to clarity for upsc i'm dr shivin choudhury i'm an irs officer firstly the first principle i want to talk about is the myth of the cutoff kal 2023 ke results we were all very excited we wanted to speak to the rankers wanted to know किसकी रैंक वन आई क्या रहा अब क्या होगा आज मार्क्सिट्स आएंगी और यू कट ऑफ रिलीज करेगा टुडे डे और इन अ डे और टू और हमें ये नंबर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा कि यार क्या कट ऑफ था क्या सेवेंटी फाइव था क्या एट्टी था नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग एक सेकेंड रुको और सोचो डज इट मैटर वॉट द कट ऑफ वॉज द कट ऑफ इज नॉट अ रैंडम नंबर दट दू पी एस सी हेज डिसाइडेड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में मान लो ग्यारह सौ वेकेंसीज थी

जो एक्चुअली पढ़ के वहाँ जाते हैं एंड हु आर गोइंग टू परफॉर्म इन दैट एग्जाम उसमें से फोटीन थाउजेंड ना क्लियरिंग इट तो ऐसा क्या है जो ये फोर्टीन थाउजेंड डिफरेंट कर रहे हैं दिस इज़ वॉट वी नीड टू आइडेंटिफाई जितने प्रलम्स कैंडिडेट्स हैं दे हैव ऑल गॉट द सेम मटीरियल दे हैव ऑल गॉट द सेम टाइम इन देयर हैंड्स एंड हम क्या होता है हम अभी कल रिजल्ट आए तो सब टॉपर्स जो रैंक वन टू थ्री फोर फाइव हैं उसको देख रहे हैं आई वॉज रीडिंग कॉमेंट्स दैट पीपल आर सेम के लोग एन पी ए से क्लियर कर रहे हैं हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ कल मैंने भी बहुत लोगों से बात की है रैंक नाइन्टी एट रैंक हंड्रेड हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी टू एंड वन एटी ऑल ऑफ विच आर माई स्टूडेंट्स एंड आई स्पोक टू ऑल ऑफ दैम आई स्पोक टू मुस्कान विजेता रिशेंद्र विनय एंड विनायक एंड मैंने इनसे जो बात करी इनकी स्टोरीज से मुझे क्या पता चला इनकी स्टोरीज़ में काफ़ी कॉमन थी कि जैसे मुस्कान का तो फर्स्ट अटैम्प्ट है राइट विजेता टोल्ड मी दैट बहुत टाइम से उनका प्रलिम्स नहीं क्लियर हो रहा था

तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि फर्स्ट टाइम में या फर्स्ट अटैम्प्ट में या पहले अगर आप सर्विस में नहीं हो तो नहीं हो सकता यू हैव द सेम मटीरियल द अदर कैंडिडेट्स द सेम टाइम इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फॉलो द राइट प्रिंसिपल्स सो हाउ डू वी गेट बेटर देन द लास्ट पर्सन वो जो लास्ट पर्सन सिलेक्ट हो रहा है जो फोर्टीन थाउजेंड पर्सन है जिसके मार्क्स कट ऑफ हैं उनसे बेटर हम कैसे बनेंगे पहला यू स्टॉप इग्नोरिंग सब्जेक्ट्स ठीक है ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ ये चार सब्जेक्ट पॉलिटी जोग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी आर समथिंग दैट एवरीबडी फोकस इज ऑन बट दिस इज नॉट वॉट द बल्क ऑफ द प्रिलम्स इज सिक्सटी परसेंट ऑफ द प्रम्स नाउ इज साइंस एंड टेक एनवायरमेंट आई आर एंशियंट मेडिबल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर एंड ह्यूमन जोग्रफी अगर आप ये सब्जेक्ट्स इग्नोर करके जा रहे हो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर फेलियर इन द प्रम्स एंड इग्नोरिंग का क्या मतलब है अगर मैं आपसे पूछूँ अभी कि प्रेजिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है तो आपने लक्ष्मीकांत इतनी बार पढ़ रखी होगी कि आप बता दोगे और आप आराम से बता दोगे कि इलेक्टेड कैंडिडेट्स वोट करते हैं नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स वोट नहीं करते एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट सिमिलरली इफ आई आस्क यू दैट आई हैव टू इंसर्ट एन एलियन डी एन ए इन टू अ होस्ट सेल वॉट आर द थ्री थिंग्स डिड आई नीड क्या आपके माइंड में इमीजिएटली आ रहा है कि मुझे एक वैक्टर चाहिए विच कैन बी अ प्लाजमेड और अ बैक्टीरियो फेज मुझे एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए और एक डी एन ए लाइगेज एंजाइम चाहिए जो ये सेकंड क्वेश्चन था अबाउट एलियन डीएनए और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था अबाउट प्रेसिडेंट इलेक्शन ये आपको इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लुएंसी के साथ याद आना चाहिए अगर आपको इक्वल फ्लुएंसी के साथ याद नहीं आ रहा दिट्स मींस यू आर इग्नोरिंग द सब्जेक्ट जितनी फ्लुएंसी आपको यहाँ है उतनी फ्लुएंसी आपको यहाँ भी होनी चाहिए देन आई विल से कि आपने ये सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करोगे यू विल सेट योर सेल्फ अप फॉर फेलियर आपका स्कोर कभी एट्टी को क्रॉस नहीं करेगा सेकेंड थिंग यू नीड टू फॉलो अ डेली शेड्यूल एंड दिस डेली शेड्यूल इज इन टू पार्ट्स कुछ पर्सनल चीज़ें हैं एंड कुछ अकेडमिक चीजें हैं देखो यार लास्ट टू मंथ्स आर लेफ्ट इन दीज लास्ट टू मंथ्स इट इज द टाइम टू पुश योर सेल्फ मैं एक टाइम पे अंडरस्टैंड करता हूँ कि देर आर यू नो वी हैव सोशल लाइव एंड देर आर लॉर्ड ऑफ थिंग्स वी नीड टू डू बट ये लास्ट टू मंथ्स हैं एंड अब हम खुद को पुश कर सकते हैं सो so, ये लास्ट टू मंथ्स के लिए देर आर सम थिंग्स दैट आइड लाइक टू टेल यू दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट डेली फर्स्टली नो प्लानिंग इन द मॉर्निंग अगले दो महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप सुबह उठ के डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अब क्या करना है आज राइट दिस मीन्स यू नीड टू प्लान बिफोर यू स्लीप कल रात को आपको प्लान करना है कि मुझे आज क्या करना है तो बिफोर यू स्लीप द नेक्स्ट डे नीड्स टू बी प्लान्ड यू नीड टू नो एवरी थिंग दैट यू नीड टू डू एंड ताकि आप जैसे ही उठो यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग थिंग्स सुबह सुबह प्लानिंग नहीं होनी चाहिए इन द नेक्स्ट टू मंथ्स सेकंड, बिफोर नाइन थर्टी एम इन द मॉर्निंग यू नीड टू बी एट योर स्टार्टिंग डेस्क राइट व्हाट डज दिस मीन और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? नाइन थर्टी पर ही आपका प्रिलम्स होगा नाइन थर्टी टू इलेवन थर्टी इज वेन यूल प्रम्स राइट तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट बिफोर नाइन थर्टी ए एम यू आर एट द डेस्क एंड यू आर इफ़ यू आर नॉट स्टार्टिंग एट दैट टाइम आपकी बॉडी का जो साइकिल है आपको ब्रेन का जो एक्टिवेशन साइकिल है वो मेस्टअप हो जाएगा वॉट इज इंपॉर्टेंट डिस कि जो एक्चुअल डे का टाइमिंग है नाइन थर्टी टू अलेवन थर्टी टू थर्टी टू फोर थर्टी आप इन्हीं टाइम्स पर रोज पढ़ो अगर आप इन्हीं टाइम्स पर रोज़ पढ़ोगे यू विल बी अकस्टम टू बी एक्टिव एट दिस टाइम सो बिफोर नाइन थर्टी एट योर स्टार्टिंग डेस्क दिस मीन्स टू थिंग्स यूर स्लीप साइकिल इज फिक्सड यू आर बेकिंग अप ऑन टाइम एंड यू आर नॉट प्लानिंग इन द मॉनिंग यू ऑलरेडी प्लान द डे बिफोर थर्ड थिंग दैट आई रिकमेंड टू यू इज़ प्लीज स्टडी इन स्लॉट्स ऑफ मिनिमम टू आवर्स ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ बिकॉज आपका प्रिलम्स का एग्जाम का टाइम दो घंटे है उस दिन आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो इन अ हाई प्रेशर सिचुएशन कि आप दो घंटे तक फोकस्ड रहोगे आपको जो जो आपने पढ़ा है वो याद आता रहेगा एंड यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स तो दिस थिंग विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड दैट प्रैक्टिस इज योर स्टडी स्लॉट्स नाउ आप अभी ये प्रैक्टिस करो कि आप दो घंटे टेबल पे बैठ सकते हो और उन दो घंटे में आप फोकस मेंटेन कर सकते हो आपको उठने का मन नहीं करता एंड यू कैन कॉन्स्टेंटली स्टडी ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया तो आज से ही आप दो घंटे यू नो यू विल बी एबल टू सेट एंड आपकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट सब बढ़िया होगा बट ओवर टाइम वी हैव टू कम टू अ स्टेज वेयर सिटिंग फॉर टू आवर्स कंटिन्यूअसली डज नॉट सीम लाइक अ बिग डील टू यू और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कल से या आज से रादर यू नीड टू हैव फाइव स्लॉट्स ऑफ टू आवर्स डेली सो एट लीस्ट टेन आवर्स यू नीड टू गिफ्ट प्रेपरेशन फ्रॉम टूडे देन अकेडमिक शेड्यूलिंग की बात करते हैं ये तो आपके डे के शेड्यूलिंग की बात हो गई अकेडमिक शेड्यूलिंग की मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे साथ अभी तक फिल्म का फॉलो कर रहे हो गाइडेंस तो वॉट हैजंड कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट वील लेफ्ट विद ओनली सी सैट इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स हम एक बार कवर कर चुके हैं तो आई एम रज्यूमिंग दट द एंड ऑफ दिस वीक यूल कवर सी सैट जब सी सैट कवर हो जाए द डे यू सी दैट एट लीस्ट वंस आई हैव कवर्ड ऑल द सब्जेक्ट उसके बाद भी बहुत नई चीजें रहेंगी राइट देर बी बैकलॉग्स दैट यू हैव थिंग्स दैट यू नॉट कवर्ड बहुत बैकलॉग्स और बहुत नई चीजें रहती हैं बट द डे यू सेव कवर्ड ऑल सब्जेक्ट वंस एटलीस्ट वंस मैं सारे सब्जेक्ट कर चुका हूँ फिफ्टी परसेंट ऑफ यूर डे मिनिमम फिफ्टी परसेंट ऑफ योर डे शुड गो टू रिविजन ये मैं आपको बता देता हूँ कि प्रलम्स में वही क्वेश्चन आएंगे लक्ष्मीकांत से वही बेसिक साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आएंगे वही बेसिक एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आएंगे वही मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन होंगे वही इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप पढ़ चुके हो आप इनको गलत करोगे और इनको गलत करके आप प्रेम से बाहर होगे इट विल नॉट बी द फॉरन क्वेश्चन इट विल बी द थिंग्स दैट यू स्टडीड दैट यू नो वेयर दे आर इन द बुक्स जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट रिवाइज वेल यू विल मार्क दम रॉन्ग इन द प्रिल्स एंड यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट ठीक है ये होने वाला है तो इसको अवॉइड करने के लिए मिनिमम फिफ्टी परसेंट ऑफ योर डे वंस यू हैव कवर्ड एवरी सब्जेक्ट एटलीस्ट वंस वो या तो आज हो चुका होगा या बाई द एंड ऑफ दिस वीक हो जाएगा मिनिमम फिफ्टी परसेंट हैजू गो टू रिविजन सेकेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन योर डे विद आपका दिन स्टार्ट होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अब से क्यों ताकि आपको वो माइंड सेट रहे या आप यू पी एस सी के बनाए हुए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो रैंडम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो एंड यू नीड टू सॉल्व दम एस पर द न्यू फॉर्मे ये मैं कैसा बताऊँगा कैसे करना है ये मैं अभी बताता हूँ आपको

इसके बिना भी यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ताकि अगर यहाँ पर ये यह पूछ जाए वन ओनली टू ओनली थ्री पेयर ओनली तो भी आप सॉल्व कर पाओ अगर एब्सोल्यूट नॉलेज है तो यहाँ पर जो ऑप्शन हैं उससे कोई मैटर ही नहीं करता अगर आपको एक क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि बैक्टीरिया सही है फंगस सही है वायरस गलत है तो अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आ जाएँ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट तो ये आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है दूसरा जैसे ये क्वेश्चन है सिमिलर आइडिया है ये जो चीज़ है इसको इग्नोर करना है एंड नाव लेट मी जस्ट शो यू दैट वाई आई एम आस्किंग यू टू डू पी वाई क्यूज़ ये ट्वेंटी थर्टीन का क्वेश्चन है ये टू जीरो टू वन का क्वेश्चन है ठीक है ये देखो ये एक स्टेटमेंट यहाँ है एंड यहाँ भी क्वेश्चन यही पूछा है कि वायरस को सिंथेटिक मीडियम में कल्टिवेट कर सकते हैं या नहीं सो पी वाई क्यूज विल गिव यू अ लॉट ऑफ रेपिटेशन तो दो चीज़ें हैं पी वाई क्यूज़ करनी है तो उससे आपको ट्रेंड समझ आएगा कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है एंड करना ऐसे है ताकि आपको एब्सोल्यूट नॉलेज गेन हो सो दैट यू आर एबल टू परफॉर्म रिगार्डलेस ऑफ आउ दी ऑप्शन आइडियल डे लुक लाइक आपका बेस्ट डे या आइडियल डे या सारे डेज जो आज से आपको करने हैं वो कैसे दिखने चाहिए पहला इट नीड्स टू बी प्लान द नाइट बिफोर अगर मैं कल पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरी आज रात को उसकी प्लानिंग हो चुकी होनी चाहिए सेकेंड मैं 9 बजे सुबह स्टार्ट कर दू पढ़ाई एंड द फर्स्ट लॉट ऑफ द डे द फर्स्ट टू आवर्स आई स्पेंट इन सॉल्विंग पी वाई क्यूज पी वाई क्यूज कौन से कुछ जी एस के कुछ सी सैट के और फिर इन्हीं टॉपिक्स की रिविज़न अनालिसिस एक्सेट्रा जो पहला स्लॉट है मेरे डे का दो घंटे का वो इन पी वाई क्यूज में जाए जिसमें लेट से मैं कुछ थर्टी जी एस के पी वाईक यूज़ करूँ थर्टी सी साइट के पी वाईक यूज़ करूँ और इनका एनालिसिस करूँ जो बचे हुए चार स्लॉट हैं ऑफ़ टू आवर्स ईच जो आठ घंटे बचे हैं उसमें फिफ्टी परसेंट टाइम में रिविजन में स्पेंड करूँ और 50 परसेंट टाइम आई स्पेंड इन डूइंग न्यू थिंग्स दिस इज वॉट एन आइडियल डे लुक्स लाइक अब आपके पास साठ दिन है इन साठ में से क्वेश्चन ये है कि कितने दिन यू कैन मेक लुक लाइक दिस आइडियल डे इफ यू कैन मेक दिस नंबर मोर देन फोर्टी फाइव दैट मोर देन फोर्टी फाइव ऑफ योर नेक्स्ट सिक्सटी डेज लुक लाइक दिस आई गारंटी टू यू यू आर वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन द सीरियस कैंडिडेट्स मोस्ट लोग ये काम नहीं कर पाते दिस इज वॉट यू नीड टू डू नाउ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज अब कुछ एक और प्रिंसिपल्स हैं जिनकी मैं बात करना चाहूंगा फर्स्टली देर इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट अभी क्या होगा प्रम्स आएगा तो कुछ नया मटीरियल एक नई पी किसी की नई वीडियो है ना ये अब आनी शुरू हो जाएगी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि मैं आपको हर सब्जेक्ट का एक स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट मटेरियल्स नीड टू बी फॉलोड व्हाट थिंग्स नीड टू बी कवर्ड उसके बियॉन्ड आपको नया मटेरियल नहीं चाहिए प्लीज स्टॉप कलेक्टिंग न्यू मटीरियल यू आर इन दिस एग्जाम टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डोंट एंड अप बिकमिंग अ मटीरियल कलेक्टर राइट स्टॉप कलेक्टिंग न्यू मटीरियल एंड अदर देन करंट अफेयर्स नो न्यू सोर्सेज वॉट डू आई मीन कि करंट अफेयर्स के लिए तो ऑब्वियसली यू विल नीड न्यू थिंग्स राइट नाउ कुछ अपडेटेड मटीरियल आएगा अप्रैल का करंट अफेयर्स आएगा वट एवर बट करंट अफेयर्स के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के लिए कुछ नया मत उठाइए अब डोंट पिकअ अपनी थिंग न्यू इन द लास्ट टू मंथ्स आई हैव गि यू वीडियोज फॉर एवरी सब्जेक्ट एट लास्ट फ्राम पॉलिटी टू आर्ट एंड कल्चर हमने सब कवर किया है उन वीडियोज़ में जो जो मटीरियल की बात की गई है उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं चाहिए वीडियोज़ की भी अगर बात करूँ तो आज अगर आप देखो चाहे किसी का फिल्म्स निकला हो या ना निकला हो दिस इज अ हार्ड रियालिटी आई एम सॉरी दिस वे फिल्म किसी ने निकाला हो ना निकालाओ एग्जाम निकालो ना निकालो दे आर ऑन यूट्यूब एंड दे आर गाइडिंग पीपल राइट एंड नहीं कह रहा कि दे आर गुड और बैड बट आई वॉन्ट यू टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो वीडियोज़ हैं ये बहुत सारी हैं देर आर मैनी ऑप्शन पॉलिटी स्ट्रैटजी आप टाइप करोगे आपको पचास वीडियोज़ मिल जाएंगी पिक वन स्ट्रेटजी एंड फॉलो इट टू इफ यू आर ट्रस्टिंग मी इफ यू आर ऑन दिस चैनल डू वट आई एम टेलिंग यू एंड स्टॉप लुकिंग फॉर अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैव सम फेथ वन स्ट्रैटी वन प्लेस लेट यूल गो टू अंडरस्टैंड वॉट यू नीड टू डू एंड जिस फॉलो इट टू देंड कुछ ज़्यादा नया करने की ज़रूरत नहीं है लास्टली कोचिंग मॉक टेस्ट एंड हाउ दे आर टू भी हैंडल्ड फर्स्टली दे आर नॉट एन इंडिकेटिव ऑफ योर यू नो वॉट योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू लुक लाइक बिकॉज इनका जो फॉर्मेट है वो यू पी एस सी से बहुत डिफरेंट है और दूसरी चीज इस एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ आई पुट इट इन द फर्स्ट कॉमेंट एंड जस्ट लुक एट दैट यूल अंडरस्टैंड हाउ दीज आर टू बी हैंडल इट दर्ड प्रिंसिपल इन द लास्ट टू मंथ इज़ ए फर ऑफ मिसिंग आउट जो है उसको थोड़ा कम करना है नया मटीरियल के पीछे नहीं भागना फोकस ऑन वॉट यू ऑलरेडी डन एंड ऑलरेडी स्टडीट फोर्थ डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है अगेन यार इट इज़ द लास्ट टू मंथ्स यहाँ पर परफॉर्म करो एंड रिवॉर्ड्स डिस प्रपोर्शनेट हैं यहाँ की मेहनत पिछले छः महीने के मेहनत से ज़्यादा मैटर करती है तो फर्स्ट मैं आपको बोलूँगा गेट रेड ऑफ सोशल मीडिया ठीक है इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट वट एवर यू डू एंड वट एवर यू यूज़ इसको प्लीज़ अब दो महीने के लिए बंद कर दो यू डोंट नीड टू नो अबाउट टॉपर्स की पर्सनल लाइफ क्या थी रैंक वन जो आदित्य हैं उनकी क्या स्टोरी थी वो मेरे बैच में टू थर्टी सिक्स थे अब वो क्या कर रहे हैं वो एन पी एम ए हैं वगैरह यू डोंट नीड टू नो दीज थिंग्स आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए राइट right? आपकी सोशल मीडिया में बाकी जो चीज़ें हैं यू आर वॉट योर फ्रेंड्स आर डूंग पीपल हुइंग जॉब्स कैट ट्रीड ऑफ इट दो महीने दीज टू मंथ्स मैटर अ लॉट इन योर लाइफ इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अब दो महीने इस पर बिल्कुल फोकस नहीं सैकेंड इन योर रिलेशनशिप्स एंड इन योर फ्रेंडशिप्स आई एम नॉट सेंग गेट रिड ऑफ देम ये तो सही एडवाइस नहीं रहेगी बट अवॉइड फाइट्स एट एनी कॉस्ट इवन इफ इट मीन्स कि आपको सब सर्वियंट होना पड़े कभी कभी रिलेशनशिप्स में क्या होता है दैट वी नो के द अदर पर्सन इज रॉन्ग बट स्टिल वी एक्सेप्ट एंड विशे के ठीक है यार मुझे अभी लड़ाई नहीं करनी बी द बिगर पर्सन बी द मोर मच्योर पर्सन अंडरस्टैंड कि इन दो महीनों में आपकी लाइफ बदलने वाली है बिकॉज वॉट इज गोइंग टू कम एट द एंड ऑफ टू मंथ्स इज़ द यू नो इज़ द प्राइस दैट यू पेड फॉर योर एंटायर ईयर अगर आप फेल हो जाते हो दो महीने बाद तो आपको एक साल लगेगा दोबारा एग्जाम में आने के लिए तो एक साल की कॉस्ट है ये दो महीने में मैसअप करना तो इन रिलेशनशिप्स एंड इन फ्रेंडशिप्स डोंट फाइट विद एनी वन इवन इफ दी अदर पर्सन इज रॉन्ग जस्ट लेट इट गो थर्डली द इवेंट्स ऑफ दी आउटसाइड वर्ल्ड कोई शादी है कोई पार्टी है कुछ भी इवेंट है अभी आपके लिए वो मैटर नहीं करना चाहिए ये दो महीने सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है योर डे शुड लुक आइडियल यू शुड वर्क हार्ड ऑन एवरी डे दैट्स वॉट मैटर्स लास्ट दो चीज़ें योर फूड एंड योर हेल्थ मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा दैट डोंट ऑर्डर फूड और डोंट गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड इन दीज लास्ट टू मंथ्स Because your health is of prime importance. Do everything in your power to ensure that you don't get sick. Because out of the 60 days that are left, whichever day that you lose, right, to let's say sickness or to let's say having a bad stomach infection, that is a day that might cost you in the end. So don't have outside food and please take care of your health, mental health as well as your physical health. Fifth is CSAT. आई डोंट नो दिस कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सी सर्ट विल बी टफर देन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बट अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं प्रिपेयर ऐसे ही करूँगा एज एफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ टफ़र एग्जाम राइट तो हमें ऐसा अज्यूम करना है कि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का सी सर्ट विल बी टफर देन वॉट वी गॉट इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ताकि वी प्रपेयर अकॉर्डिंगली नाउ वन आवर पर डे इज़ वॉट यूजअली पीपल सेफर सी सैट मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि तो आपके पास दिन में इतनी चीज़ें हैं करने के लिए कि वो वन आवर कभी आता ही नहीं है एंड क्योंकि वो वन आवर कभी आता नहीं है यू कॉन्स्टेंटली कीप इग्नोरिंग इट और एंड में प्रेशर पाइल अप हो जाता है तो अगर आप मेरे साथ अभी तक प्लान फॉलो कर रहे हो मैं आपको ये बोलूँगा कि नेक्स्ट फाइव डेज में आपका काम है कि सी सैट के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं फ्रॉम ट्वेंटी थर्टीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आप उनको कर लो एंड यू नीड टू बी कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट दैट द मोमेंट यू डू दिस एटलीस्ट आपका ये हो जाएगा कि आपने सी सैट कवर कर लिया है उसके बाद आप जो वन आवर या टू आवर्स पर डे दे उसको देना चाहें जो उसके पी वाई के करना चाहें वो करें बट एट लीस्ट एक बार बैठ के जितने फॉर्मूलाज हैं आर सी को कैसे सॉल्व करते हैं एल आर में क्या क्या आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दिस यू नीड टू डू अब ये सी सैट कैसे करना है एंड हाउ डू यू नीड टू फॉलो इट इसका भी लिंक मैं फर्स्ट कॉमेंट में डाल रहा हूँ एंड एंड पुट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो जस्ट वॉच दैट वीडियो उस वीडियो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है वॉट टू डू विद सी सैट नेक्स्ट फाइव डेज यू डू दिस इफ़ यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग दट है यू आप पाँच दिन में ये काम करिए एंड वी वुड हैव कवर्ड एवरी थिंग दैट वी नीड्स फॉर प्रम्स एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज एटलीस्ट वंस उसके बाद हम अपनी रिविजन स्ट्रेटेजी स्टार्ट करेंगे लास्टली विल टॉक अबाउट प्लानिंग वी आर गोइंग विद टू वीक्स पर सब्जेक्ट उस हिसाब से हम पॉलिटी इकोनॉमी जोग्रफ़ी साइंस एंड टेक एन्वायरमेंट मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियट मीडिवल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर कर चुके हैं इन सब की वीडियोज हैं अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपने कवर ना किया हो तो आपको इस चैनल पे ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी ट्वेंटी एट्थ अप्रैल इज द डे टिल विच आई एम सेगैट ये सारे पी वाई क्यूज हम कवर कर लें एंड करंट अफेयर्स में मंथली मैगजीन्स हम कर चुके हैं कुछ दो रहती हैं नवंबर और दिसंबर की दैट विल बी अपलोडेड टिल ट्वेंटी एथ अप्रैल एंड जो अपडेटेड करंट अफेयर्स होगा जैन फेब का वो भी हम ट्वेंटी एथ अप्रैल तक कवर कर लें दिस इज़ माई मिनिमम डिमांड फ्रॉम यू कि मिनिमम ये काम हम कर लें एंड ट्वेंटी नाइन से वी विल ओनली बी इन द रिविजन मोड राइट right? तो अगर ट्वेंटी एट तक कोई ऐसा सब्जेक्ट है कोई ऐसी चीज़ है जो आपने कवर ना करी हो आप उसे कर लें ट्वेंटी नाइन्थ से सिर्फ रिविज़न करेंगे हम लास्ट टू मंथ्स में कोई नया मटेरियल नहीं देखेंगे कुछ नहीं करेंगे जो हम पुरानी चीज़ें पढ़ चुके हैं उन्हीं को दोबारा पढ़ेंगे आई मेक अ न्यू ग्रुप ऑन दिस डेट ऑन टेलीग्राम एंड विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन रिविजन एंड दिस विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वॉट विल बी डूइंग इज रिविजन स्ट्रेटेजी डेली हम रोज़ का एक टारगेट रखेंगे उसको रिवाइज करेंगे उसके क्वेश्चन करेंगे ट्वेंटी एट तक वट एवर यू हैव टू कवर यू फिनिश लास्टली द थिंग आई वॉन्ट टू टॉक टू यू इज़ अबाउट सेल्फ बिलीफ कल मैंने लाइक आई वॉज टेलिंग टॉक टू अ लॉर्ड ऑफ टॉपर्स एंड बहुत जगह मेरे को यही कहानी सुनने को मिली कि सर मेरा प्रिलम्स नहीं क्लियर हो रहा था तीन प्रिलम्स नहीं हुए थे चौथा अटेम्प्ट था मैंने प्रिलम्स क्लियर किया और फिर मेरा सारा रैंक भी आ गया राइट यू नीड टू बिलीव यू नीड टू हैव बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नीड टू बिलीव दैट यू विल मेक इट एनी मोर टाइम दैट यू स्पेंड फ्राम टूडे इन फीयर इस टाइम दैट यू आर वेस्टिंग ये मैं आपको बता देता हूँ जो भी टाइम हम डर में निकालते हैं उसमें क्या होता है हमें डर होता है तो हमें लगता है यार पता नहीं क्या होगा एग्जाम बहुत टफ है इतने सारे लोग हैं और उस एंग्जाइटी में हम पढ़ाई नहीं करते बट अब वो टाइम बचा ही नहीं ओनली सिक्सटी डेज आर लेफ्ट तो इन दीज सिक्सटी डेज याद रखो एक ही टारगेट है कि एवरी डे नीड्स टू लुक लाइक एन आइडियल डे वेन यू लुक बैक जब आप फिल्म देखे वापस आओ फिल्म दे के बाहर निकलो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि आज से साठ दिन पहले मैंने स्टार्ट किया था ये सोचना कि आई नीड टू लुक मेक एवरी डे लुक लाइक एन आइडियल डे तो ऐसा कितनी बार मैं कर पाया एंड इफ़ व्हेन यू कम आउट ऑफ द प्रिलम्स हॉल यू आर एबल टू से कि लास्ट दो महीने में एवरीथिंग दैट आई कुड पॉसिबली डू एंड आई मेड एवरी पॉसिबल डे लुक लाइक एन आइडियल डे अगर आप ये बात खुद को बोल पाओगे तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेल इन द प्रिलम्स और आपको कोई गिल्ट नहीं होगा So this is what I'm telling you. Have self belief from today. Every day needs to look like an ideal day. And this is what I want you to write in the comments. Write that I will make every day look like an ideal day. Dovara repeat hu. Ideal day ka matlab. Planned before 10 hours of study. And you start at 9 a.m. with previous year questions. This is what you need to execute from today till the end of prelims. And if you're able to do this, you are going to make it. I'm here for you. Thank you for watching. See you next time.